तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम सीखेंगे PGMI में रूम कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आप सबको बनाकर दिखाते हैं कि रूम कैसे बनता है। तो ये रहा मेरे पास, दो रूम का डब्बे पड़े हुए हैं और आप सब चाहें तो यहाँ से भी इस रूम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। ये जो दिख रहा है मैप वाला ऑप्शन, इस पर टैप करना है और ऊपर जो दिख रहा है रूम वाला ऑप्शन, पहले मैप देख लेते हैं। ऊपर जो रूम वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर टैप करना है, उसके बाद इन्वेंट्री पर टैप करना है। आप जो चाहें उस पर बना सकते हैं, मैं अभी इन्वेंट्री पर बनाने वाला हूँ तो इन्वेंट्री पर ही बना रहा हूँ। देखिए भाइयों, आप सबको बहुत सारा मैप देखने को मिल जाएगा। आप सबको जो मैप में खेलना होगा वही मैप पर बना सकते हैं। चलिए, मुझे तो इन्वेंट्री पर खेलना है तो हम इन्वेंट्री पर ही बना लेते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भाई, नीचे जो ये दिख रहा है ना, क्रिएट रूम पर टैप करना है। उसके बाद यूज रूम पर टैप करना है, ओके। फिर भाइयों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर से क्रिएट रूम पर टैप करना है। उसके बाद आप जो मैप सेलेक्ट किए थे वो आपको फिर से वही वाला मैप सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको रैंडम बंदों के साथ खेलना है तो पासवर्ड नहीं लगाना है, वरना पासवर्ड लगा कर ही रूम स्टार्ट करना है। चलिए भैया, तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, ओके करना है। उसके बाद क्रिएट रूम पर ऐसे टैप कर देना है और ये रहा आपका रूम बनकर रेडी। और भाइयों, आप सबको मैच अगर एक्सपेक्टिंग करना है तो इसे डबल टैप करके आप यहां से मैच एक्सपेक्टिंग मोड में आ सकते हैं। और आपको फिर से एक्सपेक्टिंग मोड के बाहर जाना होगा तो इसे फिर से डबल टैप करने पर बाहर जा सकते हैं। और भाइयों, यहां से हम अपना फ्रेंड को इनवाइट करके रूम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है भाइयों, वीडियो कैसा था कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, और उससे भी अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय।